फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो UPS का ट्रांसफार्मर होता है उसके कनेक्शन बताऊंगा कि किस तरीके से आप इससे एक 12 वोल्ट का चार्जर बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका कनेक्शन करने में दिक्कत आती है क्योंकि इसके AC वाले वायर यहाँ पर चार वायर दिए जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन से वायर में हमें AC सप्लाई देनी है। तो इस वीडियो में आपको इसका पूरा कनेक्शन बताऊँगा, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो मल्टीमीटर को आपको बजर वाले पॉइंट पर सेट करना है और यहाँ पे जो पीछे की साइड में मोटे वाले कॉपर के वायर हैं इन पे आपको कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करनी है। तो जिस भी वायर पे कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करे वो यहाँ पे आपस में एक कॉयल होती है, तो आपको यहाँ पे अगर इससे 6 वोल्ट यहाँ पे करंट लेना है तो आप दो दो वायर एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको 12 वोल्ट करंट लेना है तो आप सीरीज में लगा सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। यहाँ पे इन दो वायर में कंटिन्यूटी शो कर रही है और दूसरे वाले वायर में भी यहाँ पे। तो अगर आपको इससे 6 वोल्ट लेना है तो आप डबल यहाँ पे वायर को एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको 12 वोल्ट लेना है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा एक कॉइल को। तो कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वायर आपस में शॉर्ट हैं, यानी कि ये एक कॉइल है और यहाँ पर दूसरी कॉइल है। तो दोनों कॉइल को एक साथ कनेक्ट करने पर 6 वोल्ट निकलेगा और दूसरे वाले पॉइंट को यहाँ पर आपस में जोड़ने से यहाँ पे सीरीज हो जाएगी, तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो AC वाले वायर को आपको किस तरीके से चेक करना है वो ही मैं आपको बता देता हूँ। तो AC वाले वायर में फ्रेंड्स आपको एक कॉमन वाला वायर यहाँ पे मिलेगा, ब्लैक वाला वायर। तो इसमें आपको मल्टीमीटर की कोई भी एक प्रॉप रख देनी है और आपको इसमें वैल्यू यहाँ पर चेक करनी है। जिसमें भी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर शो कर रही हो उसी में आपको कनेक्शन करना है, तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं मैं आपको एक एक वायर को चेक करके दिखा रहा हूँ, आपको वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही होगी। फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पर 17 मिली थी, दूसरे वाले में 14 और तीसरे में 16। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप ज़्यादा वैल्यू वाले वायर में लगाएंगे तो आपको कम वोल्ट मिलेगा, और कम वैल्यू वाले वायर में आप कनेक्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा वोल्ट मिलेगा। तो आपको ब्लैक वाले वायर को तो यहाँ पर एक वायर यहाँ पर जोड़ देना है AC लाइट का, बाकी के 3 वायर में से आप किसी वायर के साथ जोड़ सकते हैं, उतने ही आपको यहाँ पर आउटपुट में वोल्ट मिलेंगे। मैं आपको कनेक्शन भी करके दिखाऊँगा, तो मैं पहले इन सभी वायर को छीन लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक एक करके हर एक वायर की यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि कितने वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप इससे 20 एम्पीयर तक का चार्जर यहाँ पे बना सकते हैं 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे 20 एम्पीयर का है। तो इसमें यहाँ पे 17 यहाँ पे वैल्यू शो कर रही है, और इन दो वायर का भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फिर एक एक करके मैं हर एक वायर के साथ वायर को चेंज करता हुआ आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा कि कौन से वायर में कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। इसमें यहाँ पे 20 वोल्ट तक करंट यहाँ पे आउटपुट में आ सकता है, तो मैं आपको सभी की वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं बाकी के जो वायर को मैं एक साथ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो 4-5 यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो यानी कि आपको ब्लैक वाला यहाँ पे कॉमन रखना है, इस वाले वायर को आपको नहीं हटाना है AC लाइट में से, और बाकी के जो वायर हैं इनको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सभी वायर की दोबारा से वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 17 यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है, और यहाँ पे 14 यहाँ पे, और दूसरे वाले में यहाँ पे 16 यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो मैं ज़्यादा से स्टार्ट करूँगा और एक एक करके चेंज करता हुआ जाऊँगा वायर को, और आपको साथ में ही आउटपुट में इसकी वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊँगा। तो ट्रांसफार्मर में हमें आउटपुट में अभी AC करंट मिलेगा, तो आप इसे ब्रिज रेक्टिफायर से DC करंट में चेंज कर सकते हैं डायोड की मदद से। तो यहाँ पर मैंने AC लाइट का एक वायर जोड़ दिया है और दूसरे वाले वायर को मैं ग्रीन वाले वायर के साथ यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो आपको ब्लैक वाले वायर के साथ आपको यहाँ पे टेप लगा देना है और दूसरे वाले वायर में आपको नहीं लगाना है, अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो। वैसे आप परमानेंटली यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 वोल्ट यहाँ से निकलेगा, तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 14 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर एक वायर पर टेप लगा दिया है। तो चलिए अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसके कौन से वायर में कितना वोल्ट आ रहा है। तो आपको इसे हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि इसमें AC करंट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे 14 वोल्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कॉल आउटपुट में दी गई हैं, इन 2 कॉल को मैं एक साथ यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसमें AC सप्लाई दे के आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा कि कौन से वायर में कितना वोल्ट आ रहा है। तो अभी मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, चलिए अब मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि कौन से वायर में कितना वोल्ट आ रहा है। तो मैं इसे AC वाले पॉइंट पे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, 200 वोल्ट AC पर सेट कर लिया है। तो अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 वोल्ट AC शो कर रहा है। आप इसे ब्रिज रेक्टिफायर से DC में चेंज कर सकते हैं, और जैसे मैं बीच वाले वायर पे टच कर रहा हूँ तो 7 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो
तो दो कॉइल को आप सीरीज में करके 14 वोल्ट बना सकते हैं, और इसी तरीके से 12012 का ट्रांसफार्मर यहाँ पे बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 14.7 के करीब वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए दूसरे वाले वायर के साथ मैं यहाँ पे जोड़ के इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन वाले वायर को हटा के मैं यहाँ पे ब्लू वाले और येलो वाले वायर में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आपको एसी सप्लाई में लगाते वक्त आपको इसके कनेक्शन नहीं करने हैं, वायर को निकालने के बाद ही करने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू वाले वायर में लगाया, यहाँ पे 19 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसका जो येलो वाला वायर है उसके साथ भी एसी वाले वायर को कनेक्ट करके आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको ब्लैक वाला वायर यहाँ पे एसी सप्लाई में देना है। बाकी के तीन वायर में से आप किसी भी वायर में दे सकते हैं एसी सप्लाई, बस यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे फ़र्क होता है वोल्टेज का। और देख सकते हैं यहाँ पे 17 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 16-17, और बीच वाले वायर में यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है। तो आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, स्पोर्ट वेल्डिंग, क्योंकि ये 20 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और आप इससे एक 12 वोल्ट का चार्जर भी बना सकते हैं। अगर आपको 12 वोल्ट का चार्जर नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस वाले ट्रांसफार्मर के ऊपर भी 12 वोल्ट का चार्जर आपको बना के दिखा दूंगा। वैसे मैंने अपने चैनल पे 12 वोल्ट के चार्जर के काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे कनेक्शन होता है जो ग्रीन है और ब्लैक वाला वायर, इसमें आपको प्रॉपर 14 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। 12 वोल्ट के चार्जर के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही देखने मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।